नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बारे में। यहाँ पे आपको पता है उपचुनाव हुए थे जिसका रिजल्ट यहाँ पे 9 दिसंबर को आना है, और जैसे जैसे चुनाव के रिजल्ट की तारीख नज़दीक आ रही है लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ रही हैं, क्योंकि ये चुनाव का रिजल्ट कर्नाटक आगे की सरकार की दिशा और दशा दोनों तय करने वाली है। जहाँ पे बीजेपी की बात करें, बीजेपी को अपना गवर्नमेंट यानी कि सरकार बचाने के लिए 6 सीटें जीतना बहुत जरूरी है। वहीं कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि बीजेपी इन 6 सीटों को ना निकाल पाए और 1-2 सीटें कम रह जाए। वहीं पे हम आज इस वीडियो में जानेंगे किस पार्टी को कितनी सीटें यहां पे मिल सकती हैं एग्जिट पोल के माध्यम से। लेकिन इससे पहले हम बता दें, टोटल 17 सीटें खाली थी, लेकिन 15 पर उपचुनाव कराया गया जिसमें से बीजेपी को 6 सीट जीतना बहुत जरूरी है। और 5 दिसंबर को चुनाव हुए थे, और नतीजों की बात करें 9 दिसंबर को फाइनल नतीजे आ रहे हैं। वहीं बात करें 15 सीटों पर उपचुनाव हुआ था जहां पर पहले से 12 पर कांग्रेस का दबदबा रहा था। और वहीं बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने ज्यादातर जो उम्मीदवार उतारे थे वो भागे उम्मीदवार उतारे थे। वहीं कहीं ना कहीं वो उम्मीदवार जेडीएस व कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे। कुल मतदान की बात करें 60% कुल वोटिंग हुई। और यहां पर रिजल्ट बात करें, 9 दिसंबर को रिजल्ट आना है। सबसे ज्यादा वोटिंग की बात करें तो चिकवल्लापुर में सबसे अधिक वोटिंग हुई, 80% वहां पर मतदान हुआ। तो आइए बात कर लेते हैं यहां पर कर्नाटक विधानसभा के बारे में। 224 सीटें हैं, 17 सीटें खाली थी, 15 पर चुनाव हुए। बीजेपी के पास 106 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 66, जेडीएस के पास 34, अदर के खाते में 1 सीट है। वहीं पे कांग्रेस ने चुनाव के रिजल्ट से पहले ही आरोप लगाया है कि बीजेपी यहां पे खरीद फरोख्त कर सकती है, इसके लिए दोनों पार्टियां जेडीएस हो या कांग्रेस सावधान है। वहीं बीजेपी भी जो निर्दल विधायक थे जिनके जीतने के चांसेस ज्यादा है उनसे संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा है। जानते हैं एग्जिट पोल के माध्यम से क्या रिजल्ट रह सकता है यहां कर्नाटक चुनाव का। देखो यहां पे पल पल की अपडेट जो आप जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। यहां पे बात करें एग्जिट पोल की, तो यहां पे बीजेपी की बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी यहां पे कही जा रही है कर्नाटक की, लेकिन बीजेपी को इस चुनाव में 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अगर जो बात करें जेडीएस और कांग्रेस दोनों पार्टियों को मिला के तो 8 से 12 सीटें जीत सकती हैं। वहीं अदर के खाते में 1 सीट यहां पर मिलता हुआ नजर है। वहीं बात करें महाराष्ट्र चुनाव का इफेक्ट यहां पर देखने को मिल सकता है। अब ये तो जनता का सर्वे, आगे हम और भी वीडियोज लाते रहेंगे, उसके लिए आप जुड़े हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।